ये जो पैलेस आप लोग देख रहे हैं, ये सीता माता का जन्म स्थान है। तो काफी बड़ा और काफी सुंदर सा पैलेस है और ये जनकपुर का शान है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और गुड मॉर्निंग फ्रॉम जनकपुर। तो अभी हम लोग हैं जनकपुर में। हम लोग कल यहां रात को एंटर किए थे। हम लोग सीधा काठमांडू से यहां आए थे और रास्ते में आते टाइम दो बड़े बड़े चीज हुआ था हम लोग का साथ। एक, हम लोग लाइव तेंदुआ देखे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और दूसरा, हम और संजीव दा थोड़ा बिछड़ गए थे क्योंकि संजीव दा का टायर में थोड़ा पंचर हो गया था, तो इस वजह से हम लोग का जो है डिस्टेंस में थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। तो फिर हम लोग रात को फिर मिल गए हैं क्योंकि हम लोग का जो डेस्टिनेशन पॉइंट था वो सेम था, लेकिन हम लोग वर्दीवास में हम रुके हुए थे। तो संजीव दा और हम वर्दीवास में एक साथ मीट किए, फिर वहां से एक साथ हम लोग आए जनकपुर। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं जनकपुर मंदिर, जानकी मंदिर विजिट करने वाले हैं और यहाँ का आसपास जितना भी जगह है सब घूमने वाले हैं। और संजीव दा को एक बार जाना है यामा का यहाँ शोरूम, क्योंकि क्या हुआ था कि जब जंगल से हम लोग आ रहे थे तो संजीव दा का जो गाड़ी का पैर का ब्रेक है उसका कोई पिन खुल गया था, तो जिस वजह से जो ब्रेक है वो लग नहीं रहा था। तो अभी यहाँ का जो यामा शोरूम है उसमें जाना है और मेरा भी इंजन से कुछ आवाज आ रहा है तो वो भी थोड़ा दिखा लूंगा तो क्या बात हुआ है। चलो भाई, तो गाइस सुबह सुबह एक हो चुका है कांड, क्योंकि कल रात जो मैं बोल रहा था मेरा कुछ आवाज़ आ रहा था, वो एक्चुअली क्या है कि नंबर वाला जो पत्ती है ये टूट चुका था, तो इस वजह से मेरा गाड़ी में जो है आवाज़ आ रहा था। इंजन का कोई आवाज़ नहीं होगा, ये इसी का आवाज़ था। और इसको अभी वेल्डिंग करवाने जाना होगा क्योंकि विदाउट वेल्डिंग, क्योंकि ये पीछे का नंबर है तो नंबर को खोल के भी नहीं रख सकते, सामने का रहता तो खोल के रख सकते थे, तो इसको जल्द से जल्द ठीक करवाना पड़ेगा नहीं तो लुढ़क जाएगा खोल के। हाँ, ये कर लो पहले। और हम जो रुके थे ये वाला होटल में हम लोग रुके थे और यहाँ पे लास्ट वाला जो वहाँ खिड़की आप लोग देख रहे हैं वो हम लोग का रूम है, तो काफ़ी बढ़िया होटल है। तो अभी जा रहे हैं राम मंदिर, वहाँ पे जाके कुछ वेल्डिंग का शॉप रहेगा, वहाँ पे जाके वेल्डिंग करवा लेंगे। तो गाइस, राम मंदिर के बगल में मुझे वेल्डिंग का दुकान फाइनली मिल चुका है और भैया अभी बोले कि गाड़ी को साइड में लगाओ, देखते हैं तो कैसे खुलता है पीछे वाला। और ये जो है राम मंदिर का चौक है, अभी यहाँ पे हो रहा है काम, अभी नंबर प्लेट खोलने का काम चल रहा है और खोल के इसको किया जाएगा वेल्डिंग। और यहाँ पे कुछ भाई लोग मिला है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, जिन लोगों से थोड़ा बात कर रहे थे। तो भाई यहाँ पे आसपास में घूमने का जगह कहाँ है, जैसे एक राम मंदिर हो गया, जानकी मंदिर हो गया, और सबसे बढ़िया है जानकी मंदिर है, सबसे अच्छा। अच्छा, और मतलब वो कितना देर तक खुला रहता है? वो 4 घंटे 12 बजे तक खुला रहता है, दोपहर के 12 बजे तक, फिर उसके बाद बंद होता है 4 बजे, 4 बजे खुलता है। ठीक है, ठीक। जो नंबर प्लेट है ये वेल्डिंग हो चुका है सही सलामत। और यहाँ पे एक बाबू का हेलीकॉप्टर, अरे ये तुम रोड पे चलाओगे या हवा में? रोड पे चलाओगे? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मेरे को उड़ा के दिखाओ ना तुम। नहीं नहीं नहीं, मेरे को उड़ा के दिखाओ, एरोप्लेन है ना। क्या नाम है तुम्हारा? युवान। अच्छा, सो गाइस फाइनली हम लोग का गाड़ी बन चुका है और मेरे को यहाँ पे जो भैया मिला बाइक को सेट करवाने के लिए, तो भैया बोल रहा, मतलब एक्चुअली भैया बिहार से हैं, तो भैया बोल रहा था यहाँ पे बाइक का जो मॉडिफिकेशन है वो अलाउड नहीं है, तो इस वजह से हम लोग पहले से ही ढूंढ रहे थे कि यार यहाँ पे कहीं पे फॉग लैंप क्यों नहीं लगा हुआ है, कोई फॉग लैंप क्यों नहीं लगा रहा। तो एक्चुअली नेपाल में ये अलाउड नहीं है बाइक मॉडिफिकेशन। तो मेरे को पूछा कि आपको कोई पुलिस पकड़ा क्या, हम बोले नहीं पुलिस तो अभी तक पकड़ा नहीं है। हाँ, लेकिन बोले कि यहाँ पे अगर पुलिस पकड़ाएगा तो मिरर के लिए अलग से चलान, मोबाइल होल्डर के लिए अलग से चलान, ये सब चीज़ के लिए अलग से चलान बनेगा, तो ये अभी अलाउड नहीं है। अब पता नहीं, अभी जा रहे भगवान भरोसे। तो अभी जाना है हम लोग को यामा शोरूम जहाँ पर संजीव दा अपना बाइक का काम करवा रहा है, तो अभी अंदर ही अंदर चलते हैं क्योंकि अभी पुलिस का ज़्यादा सामने हम लोग को जाना नहीं है, नहीं तो पकड़ेगा तो फिर लंबा चौड़ा चालान कटेगा।
गाइस अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं राम मंदिर जो कि जनकपुर में है, और अभी जो है मंदिर अभी बंद है क्योंकि 12 बजे बंद हो जाता है, फिर 4 बजे ओपन होता है, तो हम लोग फिर से 4 बजे आने वाले हैं। गाइस अभी हम लोग यहां से निकल रहे हैं, हम लोग राम मंदिर घूम लिए हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं धौंसा धाम, जहाँ पे जो धनुष का टुकड़ा मतलब धनुष तोड़ा गया था उसका एक टुकड़ा गिरा था धौंसा धाम में, तो अभी हम लोग वही जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो है खाना खा लेंगे कुछ। तो हम लोग का राम मंदिर का यहीं पे सामने यहाँ से 300 मीटर के अंडर में एक मरवाड़ी सेवा समिति है, जहाँ पे हम लोग वेज खाना कुछ खा लेंगे। सो गाइस ये हम लोग आ चुके हैं मरवाड़ी सेवा समिति, और यहीं पे हम लोग खाने वाले हैं श्री श्याम मरवाड़ी भोजनालय पे। मरवाड़ी सेवा समिति अतिथि सदन, तो अगर कोई नेपाल आ रहा है और कम खर्चों में जनकपुर में रहना चाहते हैं तो यहाँ पे रह सकता है, और यहाँ पे आपको भोजनालय भी मिल जाता है, यहाँ पे मारवाड़ी थाली भी अवेलेबल है, और यहाँ पे कम खर्चा में, और यहाँ पे मंदिर भी है, तो आप लोग माथा टेक के भी निकल सकते हैं कहीं भी निकलते से पहले। हम लोग ऑर्डर दिए थे मारवाड़ी थाली, तो ये हम लोग का मारवाड़ी थाली आ चुका है। यहाँ पे दाल है, सब्जी है, आलू का तरकारी है, रोटी है, और ये क्या आइटम है मुझे पता नहीं, और यहाँ पे थोड़ा सलाद दिया गया है, पेड़ा टाइप का कुछ है, अचार है, और ये संजीव दा, और इसके पीछे गणपति बापा, वाओ बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30, और हम लोग का थोड़ा सा आँख लग गया था, नींद लग गया था, और अभी जाने वाले हैं जानकी मंदिर, तो जानकी मंदिर के बाद हम लोग जाने वाले हैं धनसा धाम, जहाँ पे जो रामायण का धनुष तोड़ा गया था रामायण में, तो उसका एक टुकड़ा गिरा था, और फिर हम लोग आएंगे होटल में, होटल में होके फिर हम लोग लगेज को पैकिंग करना है, फिर लगेज पैकिंग करके कल सुबह निकलना है इंडिया की तरफ। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं जानकी मंदिर, जो कि जनकपुर का शान है, यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा। ओ भाई साहब कितना बड़ा पैलेस है। तो पहले हम लोग का टार्जन को करना है पार्किंग, फिर उसका बाद हम लोग चलेंगे इसका अंदर। ये जो पैलेस आप लोग देख रहे हैं ये सीता माता का जन्म स्थान है, तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर सा पैलेस है, और ये जनकपुर का शान है। तो हम लोग थोड़ा लेट कर दिए इसलिए धूप जो है पीछे चला गया, इस वजह से सामने उतना प्रॉपरली कलर आप लोगों को दिख नहीं रहा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही कलरफुल है ये पैलेस। तो गाइस फाइनली ये हम लोग निकल चुके हैं जानकी मंदिर से, और बाहर से आप लोग देख सकते हैं इसका नज़ारा, और हम लोग को अभी जा रहे हैं, हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं भैया? अच्छा तो अभी हम लोग जाने वाले हैं धनुषा धाम। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं गांव का अंदर से, लेकिन रास्ता इतना ख़राब है क्योंकि लग रहा है फिर से हम लोग काठमांडू जा रहे हैं, और बहुत ही ख़राब रास्ता। हम लोग जब काठमांडू जा रहे थे तब ऐसा वाला रोड मिला था, और ये डस्ट पाउडर जो है मेरे को बहुत डर लगता है इससे। बस हवा निकल गई। सो गाइस फाइनली बहुत घूम घाम के बाद हम लोग अभी पहुंच गए हैं धनुषा धाम मंदिर, लेकिन एक छोटा सा जो है मिस्टेक हो चुका है। मैं बार बार ना बाइक का जो टाइम है वो देख रहा था, जो कि अभी दिखा रहा 6:45, और मैं भूल चुका था कि मैं नेपाल में हूँ, तो उस हिसाब से नेपाल का जो टाइमिंग है 15 मिनट आगे रहता है, और अभी नेपाल में टाइम हो रहा 7 बज रहा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं प्रॉपरली 7 बज रहा,
और इधर घड़ी में मेरा 6:45 दिखा रहा। तो ये हम लोग आ चुके हैं मंदिर। एक्चुअली यहाँ पे धनुष टूट के गिरा था और धनुष का जो हिस्सा था, एक हिस्सा गिरा था रामेश्वरम में और एक हिस्सा जनकपुर में पाताल में गिरा था और एक हिस्सा यहाँ पे गिरा था। तो यहाँ पे जो हिस्सा गिरा था वहाँ से ये जो पेड़ आप लोग देख पा रहे ये वाला बड़ा वृक्ष यहाँ से जन्म लिया है और ये बढ़ते जा रहा है। इस वजह से इस जगह को मंदिर जैसे पूरा ऊपर में शेड नहीं किया गया क्योंकि इसका जो एरिया है वो बढ़ते जा रहा है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आप लोग देख रहे हैं ये ना लोहा है ना लकड़ी है, ये देखने में एकदम बिल्कुल रुद्राक्ष जैसा है। तो पंडित जी अभी हम लोग को इस जगह के बारे में बताइएगा। बोलिए सर। ये क्या है कि विष्णु पुराण के अनुसार इनको महर्षि दधीची नैमिषारण्य शंकर भगवान ने दधीची मुनि के हड्डियों से धनुष बनाए, वही धनुआ परशुराम जी को दिए, परशुराम ने जनक महाराज को दिया था। तो सीता स्वयंवर रची जनकपुर तोड़ा वहाँ प्रभुद्वय चाप खंड मही डारे तीन टुकड़ा हुआ तो दाहिना वाला भाग गया आकाश रामेश्वरम तमिलनाडु जो समुद्र में तैरता और बाया गया पाताल जनकपुर धनुषागर राम मंदिर के पास एक बड़ा तालाब है। अच्छा। ये हुए बीच वाला टुकड़ा तेई जन राम मध्य धनु तोड़ा बीच का टुकड़ा। अच्छा। तो ये मेन टुकड़ा ही पर ये पेड़ है। अच्छा। ये पेड़ को भी 550 बरस से ऊपर बता रहा है वैज्ञानिक। अच्छा। अब ये धनुष पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है लंबाई जैसे वो त्रिशूल के पास अभी नया निकल रहा है वहाँ, ये बढ़ने के कारण से ही इसको मंदिर ना बना के ब्लॉक लगाया गया है। यहाँ एक कुंड है पाताल गंगा, उस समय धनुष गिरे ना उनके आवाज़ से जमीन फट गई। हमारे यहाँ के लिए एक सूचक है, इसी से आंकड़ा होता है इस बार समय कैसा है, फसल कैसी है, बारिश कैसी है, ये पानी के लेवल से। ये पानी जितना ऊपर रहे उतना अच्छा, ये जितना नीचा गया उतना अशुभ। ऐसे देखने में लगता है जैसे रुद्राक्ष हो ना। हाँ जी। उस रूप में ना पाथर में आ रहा है ना लोहा में आ रहा है ना लावा में आ रहा है, इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने इसको इस रूप में रखा है कि ज्यादा कृत्रिम ना हो, जितना हो सके इनको प्राकृतिक ही रखा जाए। यही हुए यहाँ की संक्षेप कहानी। बोल दे श्री धनुषा धाम की जय। धनुषाधाम मंदिर घूम लिए, यहाँ पे आरती भी हम लोग देख लिए और हम लोग को पूरा इतिहास सुनने को मिला पंडित जी से। और अभी हम लोग निकल रहे हैं होटल की तरफ और हम लोग को लगा था कि शायद नहीं हो पाएगा लेकिन हम लोग का नसीब में था, भगवान जी का दर्शन करना था तो इसलिए हम लोग कर पाए। और लेट मतलब 7 बजे बंद हो जाता है लेकिन हम लोग 7 बजे घुसे यहाँ पे, तो हम लोग को आरती भी देखने को मिला और पूजा भी कर पाए हम लोग थोड़ा बहुत और प्रसादी भी खा लिए। ठीक है, तो अभी जा रहे हैं होटल क्योंकि यहाँ से होटल जो है 24 किलोमीटर है तो थोड़ा जल्दी निकलना होगा क्योंकि कल हम लोग को जाना है घर, तो जितना जल्दी हो के जाके खाना खा के जल्दी से सोना भी है, सुबह सुबह जल्दी निकलना है। सो गाइस, मेरे हिसाब से नेपाल मतलब ही ख़राब रास्ता साला। हम लोग सोचे कि अब तो थोड़ा अच्छा रास्ता मिल जाएगा धनुषधाम से निकलते हुए और यहाँ पर देख सकते हो, ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। संजीव दा का ऑफ रोडिंग वाला चक्का स्कीट कर रहा है तो मेरा तो सो गाइस फाइनली लोकेशन पे आ चुके हैं और जल्द से जल्द चलते हैं रूम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान भी हो चुका है, सारा दिन बहुत राइड भी कर लिया और सुबह का पैकिंग भी करना है, तो चलते हैं रूम पे और करते हैं पैकिंग। तो होटल तो बहुत बढ़िया मिला हम लोग को, बहुत ही सुंदर सा होटल है और वो रहा हम लोग का रूम, जो लास्ट वाला दरवाज़ा है वही हम लोग का रूम है। चलते हैं और करते हैं संजीव दा को नॉक, पता नहीं बंदा सो गया कि नहीं। रूम सर्विस। क्या बोला तूने? रूम सर्विस। क्या कर रहे हैं जी?
अच्छा